गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास एट में हमारी एसएसटी में हिस्ट्री की बुक चल रही थी बच्चों, जिसका थर्ड चैप्टर जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से शासन स्थापित किया गया उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको बताया कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से भारत में अपना शासन सेकेंड चैप्टर के माध्यम से आए और भारत पर अपना शासन स्थापित किया। उसके बाद भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन्होंने अपने शासन को चलाने का प्रयास किया, लोगों को खेती करने के लिए, नील की खेती करने के लिए मजबूर किया स्वयं के फ़ायदे के लिए। उसके बारे में यहाँ पूरी जानकारियाँ आपको मैंने पिछले चैप्टर में दी, जिसके अंदर आपको मैंने स्थाई बंदोबस्त क्या होता है, महालवारी व्यवस्थाएँ क्या होती है, रैयत कौन होते हैं, थोड़ा सा हमने चंपारण आंदोलन जो कि महात्मा गांधी ने जो कि पहली बार एक आंदोलन शुरू किया था उसके बारे में आपको मैंने जानकारियाँ दी थी। अब हम चल रहे हैं इसके फोर्थ चैप्टर पे, जिसका नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये जान पाएंगे कि आदिवासी कौन है, दीकू कौन होते हैं, ठीक है, इनकी क्या समस्याएं थी, ठीक है, अंग्रेजी शासन आने पर इनकी जनजातियों की रहने सहने पे उनके जीवन पर किस तरीके से बदलाव आए, ये सारी जानकारियाँ इस लेसन के माध्यम से हम देने का प्रयास करेंगे। तो स्टोरी की तरह से हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष का नाम से इस पाठ को शुरू किया गया है, बिरसा मुंडा, जिसे कि देव पुरुष भी माना जाता था। 1895 में बिरसा मुंडा नाम के एक व्यक्ति थे जो झारखंड के छोटे नागपुर के जंगलों और गाँवों में घूमते हुए दिखाई दिए। लोग कहते थे कि जो बिरसा मुंडा हैं उनके पास ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ थीं जिससे वे वहाँ के लोगों की बीमारियों को दूर करते थे, अनाज की छोटी सी ढेरी को बहुत गुना बना देते थे। इवन बिरसा मुंडा खुद ने ऐलान किया था कि भगवान ने मुझे भेजा है और यहाँ के लोगों की मुझे रक्षा करनी है, यहाँ के लोगों को दीकुओं की गुलामी से आज़ाद करना है। दीकू शब्द यहाँ प्रयोग किया गया बेटा, दीकू शब्द है जो जनजातियाँ वहाँ पर रहती थी उनसे बाहर के जनजाति के बाहर के जो लोग होते थे उन लोगों को उन्होंने दीकू का नाम दिया था, क्योंकि ये दीकू जो थे ये बाहर से आके इन लोगों पर अपना गुलाम बनाने लगे इन लोगों को, तो इन गुलाम से आज़ाद कराने के लिए उन्हें भेजा गया ऐसा मानते थे बिरसा मुंडा। कुछ समय के अंदर ही वहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपना देवता उसे मान लिया था, भगवान मान लिया था और उनके पीछे पीछे चलने लगे थे, अर्थात वे उनके अनुयायी बनने लग गए थे और उनका ये विश्वास था कि बिरसा मुंडा उनकी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान ने उन्हें भेजा है। बिरसा मुंडा थे, उनका जन्म था वो मुंडा परिवार में हुआ था जो एक जनजाति समूह था, छोटा नागपुर में रहता था। बिरसा के समर्थकों के ने इलाकों के दूसरे आदिवासी जैसे संथाल, उराव जो शामिल थे, ये सभी अपने आसपास में आए बदलाव और अंग्रेजी शासन से जो समस्याएं इनको पैदा हो रही थी उससे ये बहुत व्याकुल थे। उनकी परिचित रहने सहने की जो पद्धति थी, जीवन पद्धति थी, वो उनको लग रहा था कि नष्ट होती जा रही है और आजीविका उनके खतरे में है और धर्म पर भी छिन्न भिन्न होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी वहाँ के लोगों की अगर समस्याएं देखें, अंग्रेजी शासन का दबाव, लोगों के जीवन पद्धति में बदलाव, कमाने की प्रॉब्लम्स, उनके जो धर्म थे उनमें भी बदलाव देखने को मिल रहे थे, ये समस्याएं से वो छिन्न भिन्न हो रहे थे। बिरसा जो थे वे इन्हीं समस्याओं को हल करना चाहते थे। इस लेसन के अंदर दीकू किसे कहा गया, ये भारी लोग कौन थे, ये इलाके के लोगों को गुलाम किस प्रकार से बना लेते थे, कैसे उनका जीवन बदल रहा था, इन सभी सवालों के जवाब इस पाठ के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है। पिछले साल आपने आदिवासी जीवन काल के बारे में आदिवासियों के जीवन के बारे में पढ़ा था। लोग अपने कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मण द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों से कुछ अलग हुआ करती थी। इन समाज में ऐसे गहरे सामाजिक भेद नहीं थे जो जाति के आधार पर समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के बहुत सारे लोग कुटुंबों के बंधन से बंधे होते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आदिवासी के बीच में कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था।
हम अब पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जनजाति समूह जो थे, क्योंकि ये लेसन जो है इसमें आपको जनजाति के बारे में, दीपुओं के बारे में बताया गया है। हम सबसे पहले जनजाति समूह के बारे में पढ़ते हैं कि जनजाति समूह कौन है, ये किस तरीके से जीते थे। भारत के जो देश है वो विभिन्न हिस्सों के अंदर अनेक आदिवासी लोग रहते हैं। इन आदिवासियों को ही जनजाति समूह कहा जाता है और ये लोग अनेक प्रकार की कार्य किया करते थे। आइए पढ़ते हैं कि किस किस प्रकार के कार्य किया करते थे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ झूम खेती करते थे, यानी झूम खेती के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे भारत के अंदर कुछ समुदाय झूम खेती करते थे, जिसे हम घुमंतू खेती के नाम से भी जानते हैं। घुमंतू जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, ये क्या करते थे, घूम घूम कर खेती करते थे, इसलिए उसको घुमंतू खेती किया है। ये जंगल के किसी भी क्षेत्र में जाते, वहाँ पे अपना एक छोटा सा भूखंड थे, उस भूखंड को खेती किया करते थे उस भूखंड पर। अब उस भूखंड पर खेती करने के लिए क्या करते थे, जितने भी पेड़ होते थे आसपास में उनके ऊपरी हिस्सों को काट देते थे। और काटने से क्या होता था कि धूप ज़मीन तक पहुँच पाती थी और ज़मीन पर जो घास उगी हुई होती थी घास फूस उसको जला दिया करते थे। और जलने के बाद जो राख होती थी वह उस ज़मीन पर बिखेर दी जाती थी, ताकि वह खाद के रूप में, पोटाश के रूप में मिट्टी को उपजाऊ बना ले। फिर कुल्हाड़ों से पत्ते काटते, कुदाली से ज़मीन की ऊपरी सतह को कुरसते और खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उस पर बिखेर देते थे। फसलें तैयार हो जाती थी, काट लेते थे, जब तक लगता था कि फसलें दे रही हैं तब तक वह वहाँ पर रहते थे, और जब लगता था कि इसकी शक्ति कम हो गई है तब दूसरे स्थान पर चले जाते थे और उस जगह को परती के रूप में पड़े रहने देते थे। परती के रूप में पड़े रहने का मतलब होता है कुछ समय के लिए ज़मीन को खाली छोड़ देना, उस तो पर किसी भी प्रकार की फसल नहीं उगाना, ताकि वो जो अपनी कोई भी उपजाऊ उर्वरक क्षमता होती है उसको वो पुनः प्राप्त कर लेते थे। तो वो अपने अगले स्थान पर चले जाते जहाँ पर जाकर वो खेती करने लग जाते थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता था, घुमंतू खेती करने वाला कहा जाता। घुमंतू किसान मुख्यतः पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय और जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समूहों की जिंदगी जंगलों में बेरोटों आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और ज़मीनों के इस्तेमाल पर ही आधारित थी। वे केवल इसी तरह से घुमंतू खेती करते रहते थे। यहाँ पर परती का मतलब बताया, इसके साथ ही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साल, साल का वृक्ष होता है, एक बेटा पेड़ होता है, एक महुआ शब्द यूज़ किया गया है, एक फूल है जिसे खाया जाता है और शराब बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़ पढ़ते हैं कि ये जनजाति समूह थे, उनमें से कुछ लोग थे वो शिकारी और संग्राहक होते थे। ये क्या करते थे बेटा, शिकार और वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। जंगलों में, जंगलों को ही अपनी ज़िंदगी मानते थे, कहते थे जंगल से ही खाते थे तो जंगल को ज़िंदगी मानते थे। उड़ीसा के जंगल में रहने वाले खोड़ समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। ये लोग टोलियां बनाकर शिकार पे निकलते थे, जो हाथ लगता था उसको सब मिलकर आपस में बांट लेते थे। जंगल में ही मिले फल और जड़ों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। खाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों के तेलों का इस्तेमाल किया करते थे। इलाज के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां, जंगली जड़ी बूटियां होती थी, उसका इस्तेमाल कर लिया करते थे। और जंगलों से इकट्ठी चीज़ों को ले जाकर जो उनके पास एक्स्ट्रा बचती थी उसको स्थानीय बाजारों के अंदर बेच देते थे। स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को चमड़ा और कपड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के पौधों की क्या होती थी, आवश्यकता होती थी, जो ये खोड़ और डोगरिया समुदाय के लोगों से ही खरीदते थे। ठीक है, इन समुदायों को चावल व अन्य अनाज कहाँ से मिलता था, कई बार तो ये चीज़ों की अदला बदली से अपना काम चला लेते थे। अपने कीमी मन उत्पाद के बदले ये क्या करते थे, अपने यूज में आने वाली वस्तुओं को दूसरों से खरीद लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था, और आसपास के गाँव में जाकर उनको अपनी आमदनी के लिए नौकरियां भी करनी पड़ती थी। कुछ लोग बोझा ढोते तो कुछ सड़क निर्माण के कार्यों में नौकरी करते थे, कुछ आदिवासी खेत मजदूरी करते थे खेतों में, और जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो मजदूरी के लिए इन्हें इधर उधर भटकना भी पड़ता था। लेकिन ये समुदाय जो है, ये मध्य भारत का बेगा समुदाय औरों के लिए काम करने से कतराते थे, अर्थात कि जब ये किसी दूसरे के लिए काम करते थे तो उन्हें अपमान महसूस होता था। वह जंगल की संतान अपने को मानते थे और जंगल की उपज पर ही जिंदा रहना चाहते थे, किसी और के लिए कार्य करना इनके लिए अपमान की बात मानी जाती थी।
और क्या होता था कि जो चीज़ें आसपास में पैदा नहीं होती थी उसे हासिल करने के लिए इन्हें क्या करनी पड़ती थी, आदिवासियों को खरोद फरोद भी करनी पड़ती थी, इसीलिए उन्हें कभी व्यापारी महाजनों पर भी आश्रित होना पड़ता था। व्यापारी जो हैं जो चीज़ें लेके आते थे और महंगे दामों में इनको बेचते थे, सूद को और महाजनों के चक्कर में ये कर्जा लेकर इन चीज़ों को खरीदते थे, लेकिन इनकी ब्याज की दरें क्या होती थी, बहुत अधिक होती थी। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को क्या किया था, कर्ज और गरीबी में धकेल दिया था, यानी वे कर्जा लेने लगे थे और गरीबी का शिकार होने लगे थे। लिहाजा महाजन व्यापारियों को भारी शैतान और मुसीबतों की जड़ ये लोग मानने लगे थे। तो एक तो हो गया झूम खेती करते थे, दूसरा हो गया शिकारी और संग्राहक थे। तो कुछ लोग क्या करते थे, जानवरों को पालते थे। जानवर को पालकर अपनी ज़िंदगी चलाने वाले लोग जिन्हें जम चरहावा कहते हैं, वो मौसम के हिसाब से मवेशी और भेड़ों के रेवड़ों को लेकर यहाँ से वहाँ चलते रहते थे। जब घास खत्म हो जाती थी किसी स्थान पर तो दूसरे इलाकों में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले बनगुजर और आंध्र प्रदेश में लबाड़िया जो कि भैंस और गाय के झुंड पालते थे, वहीं हिमाचल में जो कुल्लू जगह है उसमें गद्दी समुदाय जो है वो गरड़िए थे, और कश्मीर के बकरवाल जो थे बकरियां पालते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ही बताया गया है कि कौन किस प्रकार के जानवरों को पालते थे। ठीक है, कुछ लोग थे जो एक जगह ही खेती करते थे। 19वीं शताब्दी से पहले बहुत सारे जनजाति कबीले एक जगह, पहले तो घूम घूम के किया करते थे खेती, अब क्या करने लगे, एक जगह टिक कर खेती करने लगे। बार बार जगह जगह बदलने के बजाय सार में क्या करते थे, एक ही स्थान पर खेती करने लगे। हलों का इस्तेमाल करना, धीरे धीरे ये ज़मीन पे क्या करने लगे, अपने अधिकार जमाने लगे। बहुत सारे समुदाय ने छोटा नागपुर में मुंडाओं की ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी, और पूरा कबीला क्या करता था, उसको मिलजुल कर जोतता था, फसल उगाता था और खाता था। कुल के सभी सदस्यों ने उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिसने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। लिहाजा ज़मीन पर सबका क्या होता था, बराबर का अधिकार होता। फिर भी देखिए क्या होता है कि कुल के कुछ ऐसे लोग जो और लोगों से ज़्यादा ताकत जुटा पाते थे तो अपनी ताकत के आधार पर क्या बन जाते थे, वे उसके कबीले के मुखिया बन जाते थे, और बाकी जो लोग होते थे उनके अनुयायी बन जाते थे। जो ताकतवर होते थे उनकी खेती करने के बजाय लोगों को क्या करते थे, ज़मीन बटाई पे दे देते। ब्रिटिश अफसरों को गोड़ संताल जैसे एक स्थान पर ठहर कर करने रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घूमंतु खेती करने वालों के मुकाबले में इनको ज़्यादा सभ्य दिखाईने लगे, यानी सिस्टोमेटिकली जीवन जीने वाले दिखाई देने लगे। जंगलों में रहने वाले को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप में एक जगह बसाना और सभ्य बनाना ज़रूरी था। तो आज हमने पढ़ा कि जनजाति समूह किस किस कार्य के अंदर लिप्त रहते थे, वह किस तरह अपना जीवन जीते थे। आज के लिए इतना ही।